अब हीरा और अरमान, आज तो हम बात कर रहे हैं इन पेल्स की जो हमारे लुक को बना देती हैं स्टाइलिश एंड कूल। ऐसे कूल तो है आप दोनों की ये जोड़ी भी, जो है हम सबकी फेवरेट। तो कैसे आगे बढ़े हैं अभीरा और अरमान की ये कहानी, वेल ये भी हर एपिसोड के साथ होती जा रही है और भी मज़ेदार। लेकर चलते हैं आप सबको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। अभीरा अरमान का ढोल धमाल, कृष्ण ने दिखाया अपने नच का कमाल, प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अभीरा और अरमान अपने मकसद को पूरा करने के लिए ढोल लेकर पहुंच गए हैं अपना टशन दिखाने के लिए। असल में कावेरी पोद्दार और पूरे परिवार ने एक एनजीओ के लिए इवेंट रखा है, जहां पर आज अभीरा और अरमान पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। और देखिए, आते के साथ ही उन्होंने अपने नच का जलवा दिखा दिया। वैसे ये जलवा इनका नहीं बल्कि क्रिश के लिए है, क्योंकि वही तो है असली टैलेंट का पिटारा पोद्दार हाउस में। थिंक ये जीत हार नहीं है, ये बेसिकली क्रिश के जो मन की बात थी, जो दिल की बात थी, जो उसका पैशन था, वो टेक्निकली वो शोकेस कर रहा है अपने फैमिली के आगे। तो भाभी ने भी पहली बार देखा है, तो भाभी का रिएक्शन तो भाभी लाइक ओ माय गॉड ही कैन डांस, आवर पप्पू कैन डांस, लाइक क्लासिकल डांसर है, क्लासिकल डांस कर रहा है जी। तो वही है, शोकेसिंग हुई है फैमिली के सामने, तो भी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा वो आपको भी देखेगा क्या रिएक्शन होता है। भाभी तो माँ सम्मान होती है, तो भाभी बहुत खुश हैं, क्योंकि खुश है क्योंकि दादी सा भी मान जाती हैं। सबसे बड़ा मोमेंट ये है कि दादी सा अग्री कर जाती हैं कृष के सपनों के लिए, और वो पैर छूता है, वो आशीर्वाद भी देती हैं और बोलती हैं कि कृष अपने सपने फॉलो करेगा। अब वो थोड़ा सा बेमन से दे रही हैं, बट इसमें कहानी में ट्विस्ट है कि नाउ कृष को बेसिकली नॉट ऑन पेपर बट इनफॉर्मली ये बोल दिया गया है कि अब तू खुद कमा, खुद खा और अपने सपनों को फॉलो कर, तू तेरा देख, तू तेरा देख, यस एग्जैक्टली। भाई कृष के डांस ने तो वाकई सभी का दिल जीत लिया, लेकिन उसका डांस उसके पापा संजय का दिल जीत नहीं पाया। ऐसे में संजय भी पहुंच गए मंच पर कृष को सबक सिखाने के लिए, लेकिन अभीरा ने टांग अड़ा दी, जिसके चलते संजय थप्पड़ मारने के बजाय सीधा अपने बेटे के सीने से जा लगे। इससे पहले कि वो कृष पर गुस्सा दिखाते, अरमान ने भी उनके गुस्से को शांत कर लिया। बाप और बेटे की एक हग हो जाती है, भरत मिलाप तो नहीं, बाप बेटे का मिलाप हो जाता है। तो जो अभी तक स्टोरी फॉलो कर रहा है बेसिकली, उसे ये बात तो पता ही है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो मेरे पापा को उससे प्रॉब्लम है, और अगर मेरे पापा अगर स्टेज पे परफॉर्म करते मेरे को देखेंगे तो ऑब्वियसली खुश तो नहीं होंगे, और थप्पड़ जितना थप्पड़ पड़ते आ रहे मेरे को, टांग तोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, तो ऑब्वियसली स्टेज पे भी दो तीन थप्पड़ एक्सपेक्ट तो मैं कर ही रहा था। बट जैसा कि बोला भाभी सा ने यूं करके पूरा गेम ही पलट दिया, और हग प्यार प्यार भरा तो खूब हग भी हो गया। अरमान भी ज्वाइन कर लेते हैं, पापा मेरी जान, भैया मेरी जान, तीनों जान, प्यार भरा माहौल, प्यार भरा, प्यार ही प्यार। भाई अभीरा ने मंच पे तो बाजी मार ली, लेकिन मीडिया के सामने बाजी नहीं मार पाई, क्योंकि वहाँ पर दादी सा जो है, मीडिया की वाहवाही पर दादी सा ने कृष की डांस की बड़ाइयां तो कर दी, लेकिन साथ ही मीडिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि अब कृष अपना पैशन फॉलो करेगा और उसके लिए वो खुद कमाएगा और खुद अपना खर्चा उठाएगा। ये सुनकर अरमान और अभीरा दोनों ही हैरान रह गए, और कृष ने भी इसे चैलेंज के रूप में ले लिया है। तो
वही बेसिकली डांस के बहाने बेसिकली भैया और भाभी ने उन्हें बुलाया है कि फैमिली को कि वो दोनों डांस करने वाले हैं, बट सरप्राइज उन्हें ये मिलेगा कि दैट मैं भी बीच में आ जाऊंगा डांस करने, एंड मैं अपना जो बेसिकली मेरा पैशन है डांस करना, जो मैंने अभी ऑलरेडी पूरे घर वालों के सामने जग जाहिर कर दिया है दैट आई वॉन्ट टू फॉलो माई पैशन ऑफ डांसिंग, तो बेसिकली उसी को हम लोग बहाने से दिखाने वाले हैं एंड वही सबके सामने शोकेस होने वाला है। उसके बाद जैसा कि आपने पूछा, पापा आएंगे स्टेज पे, हग हो जाएगा एंड बाकी चीज़ें उसी हिसाब से प्रोग्रेस करेंगे। दादी साहब से बेसिकली वही कहानी में ट्विस्ट कि अभी अपना खुद कमाओ तू अपना अपना देख वाला सीन होने वाला है मेरे साथ, तो हिम्मत तो करो खुद फिर वाला ये है, बट आई थिंक क्रिश भी स्ट्रॉन्गली ले रहा है बिकॉज़ उसके पास अरमान और अपनी मेरे पास माँ अभीरा माँ मेरे पास मेरी माँ माँ है भाभी माँ है भाभी माँ दो दो भाभी माँ दो दो भाभी वन भाभी टू भाभी वन एंड अरमान भाई है और अपने क्या कियारा वगैरह हाँ अपने पंटर लोग भी हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी क्रिश के साथ अभी ये देखना है कि वो आगे अपनी लाइफ को कैसे सॉर्ट आफ्टर करता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो घर पे डिपेंडेंट था, नाउ उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है दैट उसे अभी कॉलेज में एडमिशन भी लेना है, अपने खर्चे भी निकालने हैं, गाड़ी भी उससे छीन ली गई है, तो अभी लेट्स सी वो कैसे नहीं घर की जो मेरी गाड़ी एक और जो मेरी गाड़ी थी वो भी ली गई है, तो मतलब इट्स लाइक आई हैव नो मनी, माय वॉलेट इज ऑलरेडी टेकन बाय माय फादर, सो अभी पता नहीं क्या करेगा क्रिश, वो तो क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। सो ये सब जब हुआ, क्रिश का सपना पूरा हो रहा है, रूही इज ऑब्वियसली हैप्पी फॉर द फैमिली कि चलो किसी वे में तो पॉजिटिव नोट है, तो ऐसे में उसे रियलाइज होता है कि शी इज़ बिन मतलब बहुत हार्ड हो गई है अभीरा पे, बहुत ज़्यादा उसको डांट दिया है, बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में आपने देखा ही होगा कि रूही उसको बहुत ज्ञान दे रही है कि मत कर, चुप रह, घर में शांति रख, बहुत डांट रही है, तो उसे थोड़ा गिल्ट होता है रूही को, और वो एक केक लेके जाती है, आई डोंट नो एग्जीक्यूशन में क्या है, बट द स्टोरी इज़ दिस ओनली दैट देयर इज एन आई एम सॉरी अभीरा केक दैट रूही इज़ टेकिंग, एंड वो ये केक लेके सॉरी बोलने जा रही है जब वो देखती है कि अरमान और अभीरा हग कर रहे हैं, एंड अरमान किसेस अभीरा का फोरहेड, एंड वो केक के साथ साथ रूही का दिल भी टूट गया, छलनी कर दे सीना मेरा हो गया। बहुत बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है यार, जब आप किसी को प्यार करो और किसी और से प्यार करे, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, अरे मैं रूही हूँ, मैं घर में, अच्छा तुम ऋषभ, सॉरी मेरा ऋषभ बाहर आ गया, आई एम सो सॉरी गाइस, आई अपोलोजाइज। भाई क्रिश के लिए आगे का सफर थोड़ा सा मुश्किलों से भरा होगा, लेकिन डोंट वरी, अरमान अभीरा साथ है ना, जब हौसले बुलंद हो जीत हासिल होगी ही। फिलहाल तो ये जीत हासिल कर अरमान और अभीरा बेहद खुश हैं, लेकिन इनके बीच की तकरार अब भी जारी है। 50 करोड़ 50 लाख 55,505 रुपए, और उसके बाद भी मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम एक काम करो, तुमने अलार्म लगा लो, चश्मा लगाने के बाद भी तुम्हें मैं तो नजर नहीं आई, तो मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की बेल्ट, लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और साथ के साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।